फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे कर्मचारी ही निरंकुश हो चले हैं, जिसके चलते अब आम जनता को कठिनाई के दौर में परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलती दो तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि कर्मचारी कितने निरंकुश हैं। पहली तस्वीर एक बच्चे की है, जिसे डायरिया हुआ था। उसे अस्पताल से यह कहकर भगा दिया गया कि आपने शिकायत कैसे की, यहाँ ऐसे ही होता है, शिकायत करनी है तो प्राइवेट अस्पताल ले जाओ, जहाँ से हताश होकर गरीब माता पिता अपने बच्चे को लेकर अस्पताल से चले गए। वहीं दूसरी तस्वीर एक पेशेंट को उसके तीमारदारों द्वारा स्ट्रेचर पर कड़ी धूप में ट्रामा सेंटर से मेडिकल कॉलेज के वार्ड तक ले जा रहे हैं। बीच की दूरी किलोमीटरों में है, पर इन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। एम्बुलेंस वाला अस्पताल से एक्सरे करवाने ले तो आया, परंतु जब वापस चलने को कहा तो उसने मरीज को ले जाने से मना कर दिया। लिहाजा चिलचिलाती धूप में तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर ही ले गए। देखिए, मैंने जितनी भी सुविधाएं हो रही हैं और चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसके लिए CMO साहब को भी बहुत कड़ा पत्र जारी किया है और हम लगातार उनको भी कह रहे हैं कि जो भी लापरवाही उस पर तत्काल वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को अच्छे से मिल पाएं और कोरोना काल में जो लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर इन लापरवाहियों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, या जिनकी जिम्मेदारी है वो कार्रवाई करते हैं या नहीं।